नमस्कार आप सभी को। आज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग की हमारी दूसरी वीडियो है। थोड़े से दिन यानी कि 2-3 दिन लग गए हमें दूसरी वीडियो लाने में, पर अब वीडियोस रेगुलर रहेगी जब तक हमारा जीएलओ का एग्जाम नहीं हो जाता। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे ऐसी वीडियोज की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था ऑर्डर 6 प्लीडिंग, आज हम करेंगे ऑर्डर 7 यानी कि प्लेंट। तो जो इंपॉर्टेंट है हम उनको आपके सामने कवर करेंगे और यहाँ लाके रख देंगे। आपको इनमें से नोट्स बनाने और याद करना है, बार बार याद करना है, रूल्स के नाम याद करने हैं और एमसीक्यू में मार्क करके जेएलओ का सिलेक्शन लेके आस पड़ोस में बताना है कि आपका भाई, आपकी बेटी, आपकी बहन जेएलओ बन गई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से। जूनियर लीगल ऑफिसर की हमारी वैकेंसी आ रखी है। ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, मसौदा तैयार करना, दलील देना और संप्रेषित करना। आज ये है ऑर्डर कौन सा, 7 प्लेंट। तो सेकेंड वीडियो है ये, हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहां पर लिख रखा है कि ऑर्डर 7 प्लेंट, तो आप इसका नाम याद कर लेना। कई बार ऑप्शंस में क्वेश्चन यही आ जाता है कि ऑर्डर 7 क्या है या प्लेंट कौन से ऑर्डर में दे रखे, 6, 7, 8, 9, तो 7th में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है रूल 1। रूल 1 क्या कहता है कि एक प्लेंट, यानी कि एक प्लेंट होती है इस तरीके की, एक पेपर तरीके की। अब ये जो प्लेंट है, ये इनमें क्या चीजें भरी जाएंगी। आप कभी कोई जजमेंट राइटिंग की क्लास करेंगे या आपने कभी कोई केस की फाइल देखी होगी तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि कैसी होती है प्लेंट। तो एक प्लेंट होती है, उसके ऊपर यहाँ लिखा होता है नेम ऑफ द कोर्ट। जजमेंट राइटिंग अगर आपने नहीं करी है कोई परेशानी नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पर नाम होता है कोर्ट का कि किस शहर का क्या कोर्ट है, किस पोजिशन पे है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है अगर क्रिमिनल का है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सिविल का है, या और नीचे के कोर्ट है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी मिलेगी। दूसरी चीज है नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि वादी जो होता है हमारा उसका नाम लिखा होता है और थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन, उसके पिताजी का नाम हो सकता है, उसकी उम्र हो सकती है और उसका रेसिडेंस यानी कि वो कहाँ रहता है। यही सेम चीज डिफेंडेंट के लिए भी होती है, दोनों के साथ में ये चीजें लिखी जाती है। जैसे हम केस का नाम लिखते हैं, वर्सेस करते हैं यानी कि बनाम करते हैं, और केस का नाम यहाँ लिखते हैं प्लेंटिफ, यहाँ लिखते हैं डिफेंडेंट यानी कि वादी प्रतिवादी। तीसरी जो चीज है वो यही कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है या किसी जिसके खिलाफ केस हो रहा है या सूट फाइल हो रहा है, डिफेंडेंट है, वो माइनर है, तो थोड़ी सी लाइनें उसके बारे में भी लिख दो, एक स्टेटमेंट दे दो कि जो व्यक्ति है डिफेंडेंट वो माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, ई जो है वो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। आपको इसे सीक्वेंस में याद नहीं करना, पर आपको ये चीजें याद करनी है कि कौन सा चीजें है इसके अंदर। एक बार एक क्वेश्चन देखा गया था जुडिशरी के अंदर, जिसमें पूछा गया था कि कॉज ऑफ एक्शन क्या प्लेंट के पर्टिकुलर्स के अंदर आता है। तो जिनको सारे पॉइंट्स के नाम याद थे उन्हें पता था कि आता है, तो उसने यस मार्क किया। एक बार अलग ऑप्शन दे दिया, यानी कि 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन बदल दिया, और वहां पर पूछा गया कि कौन सी चीज नहीं है। तो जिन्हें चारों ये ऑप्शंस के बारे में ही नहीं पता, ये सीक्वेंस के बारे में नहीं पता, वो इन ऑप्शंस में गलती कर देंगे। तो आप नाम याद रखिए कि सबसे पहले तो कोर्ट का नाम याद करेंगे, फिर हम याद करेंगे प्लेंटिफ का नाम क्या है, फिर हम याद करेंगे डिफेंडेंट यानी कि वादी प्रतिवादी का नाम क्या है, उसके बाद में कॉज ऑफ एक्शन यानी कि इस कोर्ट में आने की जरूरत क्यों पड़ी इन्हें, क्या कॉज है जिसकी वजह से ये कोर्ट में एक्शन लेने आए हैं। ये चीज है आसान भाषा में। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो उसके लिए भी एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है डिपेंडेंट वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो उसके लिए फिर गार्जियन अपॉइंट हो जाते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, एफ क्लॉज ये कहता है कि कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं, कि जो प्लेंट मैं कोर्ट के पास में लेके आया हूं उस कोर्ट के पास में अधिकार है इस प्लेंट को सुनने का, ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। ये पिक्यूनरी टेरिटोरियल किसी भी तरीके का ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, अब क्या रिलीफ मांगना है। अब अगर मैं प्लेंट लेके सारी चीजें लिख के चला गया और कोर्ट को मैं ये बता ही नहीं रहा कि मुझे क्या चाहिए आपसे, मैं क्या रिलीफ चाहता हूं कि आप मुझे रिलीफ दे ताकि मेरा जीवन आसान हो जाए, तो वो रिलीफ भी मुझे प्लेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एच क्लॉज, इसके बाद वाली स्लाइड में यही चीज हिंदी में भी है, तो परेशान मत होना कि इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए ये भरपूर वीडियो रहेगी। एच क्या कहता है कि सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड कराए अगर कोई क्लेम को, तो वो चीज भी हमें मेंशन करनी है। आसान भाषा में समझाऊं, ये सीपीसी की क्लास नहीं है। सीपीसी अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे कोर्सेज को, हम आप बहुत अच्छे से सीपीसी पढ़ाएंगे। सेट ऑफ का मतलब यही है कि प्लस माइनस, अगर कोई और क्लेम है, अब नया डिग्री में नया क्लेम आ गया तो माइनस करके जितना बचा पैसा है उसके बारे में नई डिग्री बन जाएगी। दूसरी चीज है कोई क्लेम है उसे रिलिंक्विश करना है, उसे छोड़ना है ताकि ज्यूरिसडिक्शन में केस आ जाए। कई बार होता है कि
आपको पता चलेगा जब आप पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन पढ़ेंगे कि एक कोर्ट की एक लिमिट होती है, पैसे का दायरा होता है कि इतने रुपए तक का मैटर कोर्ट सुन सकता है। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ज्यादा पैसे का कोई सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसके पैसे बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ पोर्शन रिलिंक्विश कर सकते हैं या और भी एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसी सेट ऑफ और रिलिंक्विश अगर आपने कोई क्लेम करना है तो उस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर एक मकान का केस है जो 2 करोड़ रुपए का है, तो उसकी वैल्यू लिखनी है यहां पर कि क्या वैल्यू होगी ऐसे सब्जेक्ट मैटर की। मकान का विवाद है दो भाइयों के बीच में, तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं इस वीडियो को, आप इसी तरीके से रखिए, ऐसे ही हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं कि याद करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद कर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि क्या होता है। ऊपर होता है कोर्ट का नाम, हमने देखा है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, इनके बारे में लिख दिया। तीसरी लिख दी, अगर वो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर या अनसाउंड है तो उनके बारे में एक स्टेटमेंट दे दो। जो चौथी चीज क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्यों आए हो आप कोर्ट में, कॉज ऑफ एक्शन। फिर देखेंगे कि कोर्ट का अधिकार है या नहीं, ज्यूरिसडिक्शन। और इसके बाद में है रिलीफ। अब मैं आ तो गया, रिलीफ चाहिए ना मुझे कोर्ट से, वो रिलीफ तो मैं लिखूंगा ना कि सर अगर मैं केस जीतता हूं तो मुझे इन रिलीफ को आप प्लीज दे दीजिए, यही वाली बात है। फिर है सेट ऑफ, और उसके बाद में है कि अगर कोई क्लेम को मैं रिलिंक्विश करना चाहता हूं तो वो चीज मैं लिख दूंगा। अंत में है कि मेरी प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर, वैल्यू, ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूं। अब देखिए हिंदी वालों के लिए कि वाद पत्र जो कि प्लेंट है उसमें ये है कि न्यायालय का नाम लिखना है, वादी का नाम लिखना है, विवरण और निवास स्थान, प्रतिवादी का भी नाम, विवरण और निवास स्थान, ये दोनों चीजें सेम है, बस प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि वादी और प्रतिवादी। यहाँ पे नाबालिग या विकृत दिमाग के हैं तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे दो। कार्रवाई का कारण बनने वाला तथ्य कि क्यों आया हूं मैं कोर्ट, तो ये चीज यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में ऐसे तथ्य जो दर्शा रहे हैं कि क्षेत्र अधिकार है या नहीं कोर्ट का। फिर उसके बाद में राहत का दावा, मुझे रिलीफ क्या चाहिए कोर्ट से, ये वाला है। उसके बाद में है स्वीकृत या त्याग करने के लिए अगर कोई राशि है तो वो भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। और अंत में है हमारा के ये जो हमारा एंड में है कि जो सब्जेक्ट मैटर है कोर्ट के अंदर कि कितने प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, वो चीज भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी। इतना समझ आया, ये रूल बने, इसके नाम आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बनता है तो ये मैक्सिमम डिफिकल्टी का लेवल हो सकता है इस क्वेश्चन का। अब आइए रूल 2, मनी सूट। कोई प्रॉपर्टी है उसका पैसा है, कोई पैसे की वाद है यानी कि रिकवरी है पैसे की, तो उसके भी वाद होते हैं। तो वैसे ही अगर कोई पैसे के लिए रिकवरी करने के लिए कोई सूट है तो वो मनी सूट के एग्जांपल के अंदर फिट होते हैं। तो मनी सूट यही होते हैं। अब देखिए मनी सूट इसमें क्या होता है कि अगर कोई मनी सूट है तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसे मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए 10,000 रुपये मुझे किसी से लेने थे, वो मुझे नहीं दे रहा, तो मैं कोर्ट में सूट फाइल करने गया तो मैंने उनको लिख दिया 10,000 रुपये मुझे लेने हैं। अब 10,000 रुपये मैं लिख सकता हूं बिल्कुल, पर मैं ये नहीं लिख सकता कि सर 10,000 से थोड़े से ज्यादा रुपए मुझे लेने हैं या 10,000 से थोड़े से कम रुपए मुझे नहीं लेने या लेने हैं, ये बात गलत होगी। एक एग्जैक्ट वैल्यू कोर्ट को चाहिए, तो एग्जैक्ट अमाउंट आपको लिखना है, ना कि अप्रोक्स रुपीज 10,000, आसपास में कुछ भी रुपए मिलते हैं तो सर मुझे दे दीजिए या मेरा ये रिलीफ है मुझे ये चाहिए, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है कि मीन प्रॉफिट, कई लोग मेसिने प्रॉफिट कहते हैं, मैं मीन प्रॉफिट कहता हूं, मीन प्रॉफिट और अनसेटल्ड अकाउंट्स। तीसरी चीज है मूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, तो इनकी वैल्यू कभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, आज हमको नहीं पता होता कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो वहां पर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं। किन चीजों के अंदर, मीन प्रॉफिट में कोई अकाउंट्स है जो अभी तक सेटल्ड नहीं है, हमें नहीं पता कितने रुपए लेने हैं तो वो, और कोई मूवेबल्स है, तो वहां पर अगर कोई वैल्यू हम कभी भी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर हम लिख देंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इतना आप लोगों को समझ आया। हिंदी में इसके लिए यही है कि 10,000 रुपये आदि ऐसे आप लिख सकते हैं, पर आदि शब्द नहीं लगा सकते आप, अप्रोक्स, ठीक है। और यहां पर सटीक राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। रूल 3-4 कम इंपॉर्टेंट है, 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंडेंट के इंटरेस्ट और लायबिलिटी के बारे में बात करी गई है कि जो वाद पत्र यानी कि प्लेंट एक प्लेंटिफ कोर्ट के पास लेके जाएगा कि सर मेरा ये कॉज ऑफ एक्शन है आप इसको सुनिए, तो उसके अंदर वो बताएगा कि मैं जिसके खिलाफ ये सूट फाइल कर रहा हूं, जो कि डिफेंडेंट है, जो कि प्रतिवादी है, उसका किस तरीके से मुझसे रिश्ता बनता है इस सूट के अंदर, यानी कि क्यों मैं उसके ही खिलाफ कर रहा हूं। ऐसे तो 7 बिलियन लोग हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, पर मैंने उसी एक इंसान को क्यों चुना या उसी ग्रुप में उसी 4 लोगों को उसी 3 लोगों को क्यों चुना,
तो ये चीज भी प्लेंट में लिखी जाती है कि डिफेंडेंट और का क्लेम है, यानी कि वो इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर में, इसीलिए सर मैं चाहता हूं कि डिफेंडेंट अब मेरे जो मैंने बात पत्र दिया उसका जवाब दे। तो यही बात हमारा रूल 5 कहता है कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी है या नहीं है। अब 6th जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशन की बात करता है, लिमिटेशन लॉ। हमने लिमिटेशन लॉ पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है कोई परेशानी नहीं है, पर पढ़ना है क्योंकि जेएलओ के सिलेबस में है, तो अभी भी पढ़ सकते हैं, समय है आपके पास में। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन लॉ के, उन पे फोकस करिए। तो ये जो चीज है रूल 6, ये क्या कहती है कि ग्राउंड्स है कि लिमिटेशन लॉ से एग्जेम्प्ट हो जाए, यानी कि हम बच जाए, क्या ग्राउंड्स है वो, तो वो ग्राउंड्स रूल 6 हमको बताता है। अब देखिए कि यहां पर दे रखा है कि इफ द प्लेंट इज फाइल्ड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, यानी कि प्रदान की गई सीमा अवधि समाप्त होने के बाद में, कि अगर किसी सूट के अंदर जो कि फाइल करना था, कोई प्लेंट अगर दर्ज करानी थी, उसका एक समय अवधि थी लिमिटेशन लॉ के अंदर, और हमने उसको एक्सपायर कर दिया, हम उसके बाद में पहुंचते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हमें अपनी प्लेंट के अंदर एक ऐसे ग्राउंड्स, रीजनेबल ग्राउंड्स जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, वो मेंशन करने पड़ेंगे कि सर मैं क्यों देरी से यहां पर आया। ये चीज आप लोग मेंशन करेंगे तो आपको हो सकता है कि कोर्ट आपका सूट जो है वो दाखिल कर ले अपने कोर्ट के अंदर, इंस्टीट्यूट कर ले। तो इफ प्लेंट इज फाइल्ड आफ्टर द लिमिटेशन पीरियड, प्लेंट में हमेशा ग्राउंड्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप छूट लेना चाहते हैं कि मुझे लिमिटेशन लॉ सर मैं पूरी तरीके से नहीं पूरा कर पाया, जो भी उनके रूल्स थे सर मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरे ये ग्राउंड्स थे, इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई। ये रूल 6 हमें बताता है, ठीक है। तो कोर्ट ऐसे एग्जेम्पशंस को ग्रांट कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये कोर्ट का विवेक अधिकार है। आप लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन लॉ में कि एग्जेम्पशन के बाद में भी कोर्ट केसेस को सुन सकता है। तो कोर्ट में ग्रांट एग्जेम्पशंस, जो भी रीजन हमारे उस बंदे ने दिए, मान लो नीरज नाम है उस बंदे ने, नीरज ने जो भी दिए अपने ग्राउंड्स की मैं क्यों देरी से आया कोर्ट में, तो उसमें भी कोर्ट सेटिस्फाई हो सकता है, या कोर्ट और दूसरे ग्राउंड्स जो उसने नहीं दिए उसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो कोर्ट आपका सूट इंस्टीट्यूट कर लेगा, ठीक है। तो ये स्वतंत्र है, कोर्ट का विवेक अधिकार है। अब देखिए रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। प्लीडिंग में भी आपने देखा होगा, रिटर्न स्टेटमेंट में भी आप देखेंगे कि जो रिलीफ चाहिए ना वो टू दी पॉइंट बताओ कि क्या चाहिए, घुमाओ मत बातों को, सीधा बताओ कि क्या चाहिए, कोर्ट के पास इतना समय नहीं है। ये रूल 7 बोलता है, कोर्ट ये कहता है, रूल ये कहता है कि दिस रूल में आपको जो प्रेयर है, आपने कभी भी कहीं इंटर्नशिप करी होगी लॉ स्कूल के अंदर, या आपने मान लीजिए इंटर्नशिप नहीं भी करी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हो, छोटे कोर्ट गए हो, चलो छोड़ देते नहीं गए कहीं भी, आपने हमेशा से जुडिशियरी की और जेएलओ की तैयारी करी, आप इसलिए देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक जो वाद होता है ना उसके नीचे हम कोर्ट से प्रेयर करते हैं, उस प्रेयर के अंदर हम 2, 3, 4, 5 पॉइंट में साफ साफ कह देते हैं कि इतनी सारी बातें जो हमने पेजेस में लिखी ना, संक्षिप्त में हम चाहते हैं कि हमें ये प्रेयर हमारी आपसे है, आप हमारे लिए भगवान हैं, कि हमें आपसे ये प्रेयर करनी है कि हमें ये रिलीफ आप दे दीजिए। तो वो रिलीफ लिखने के लिए प्रेयर की बात है कि जो रूल है यहाँ पर हमारा, कौन सा रूल है ये, एक बार अगर मैं छुपा लूँ तो आपको याद रहेगा, रूल 7 है। रूल 7 रिलीफ की बात कर रहा है कि जो प्रेयर है वो स्टेट करेगा प्लेंटिव अपने प्लेंट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ये लिखा है, इट सेज दैट प्लेंटिव मस्ट स्टेट इन अ प्लेंट आइदर सिंपली और इन अल्टरनेटिव, यानी कि या तो एक रिलीफ मांग ले कि सर मुझे ये घर वापस से दिला दीजिए, ये एक रिलीफ हो गया। अल्टरनेटिव में रिलीफ क्या होगा, सर या तो मुझे घर दिला दीजिए या फिर ये मकान जो है ये 10 करोड़ का है, मुझे इसके बदले 10 करोड़ रुपए दिला दीजिए, मुझे दोनों में कोई परेशानी नहीं है। तो अल्टरनेट रिलीफ भी व्यक्ति मांग सकता है। जनरल रिलीफ और एनी रिलीफ दैट कोर्ट में ग्रांट ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन मे नॉट बी स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर, और कोर्ट अपनी मर्जी से अगर कोई और रिलीफ देता है जिसके बारे में हमने मांग नहीं करी थी, तो कोर्ट ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। राहत अर्थात प्रार्थना की जा सकती है। उसके बाद में है सरलता से या वैकल्पिक रूप से राहत देनी होगी, और एंड में है सामान्य राहत या कोई भी राहत जो अदालत अपने विवेक से दे सकती है, विशेष रूप से नहीं मांगी जा सकती है। तो यही वाली बात है कि जो विशेष रूप से ऐसे रिलीफ नहीं मांगे हैं कोर्ट से, कोर्ट वो भी ग्रांट कर सकता है। रूल 9 प्रोसीजर, सारी बातें समझ ली सर, प्लेंट होती है ऐसे ऐसे बनती है, एक रिलीफ होता है, सर लिमिटेशन लॉ से कैसे एग्जेम्पशन लेके हम कोर्ट में सूट फाइल करा सकते हैं, सब समझ लिया सर, पर करना कैसे, प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर दे रखा है रूल 9 में, इंपॉर्टेंट से रूल है, सीधा पूछ भी सकते हैं कि प्रोसीजर का रूल कौन सा है प्लेंट का, तो रूल 9 मार्क कर देंगे हम आसानी से, सीख लिया ना हमने उत्कर्ष की वीडियो देख के। तो यहीं पर यही वाली बात है कि अगर कोई समन जो डिफेंडेंट को गया है,
जो कि जाएगा कोर्ट में अगर प्लेंट दर्ज हो गई। अब समन भेजने के लिए 7 दिन में, जैसे आज ऑर्डर दिया, आज मान लो 1 तारीख है, तो 7 दिन के अंदर जो हमारा प्लेंटिफ है नीरज, वो क्या करेगा? देखो, विद इन 7 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ इश्यूइंग समन, तो 7 दिन तो आप याद कर लो कि सर कोई 7 दिन की बात तो हो रही है। अब एक डिफेंडेंट है, तो एक प्लेंट की कॉपी जो हमारे नीरज ने जमा करी है कि मेरे साथ सर ये गलत हुआ है और मुझे रिलीफ चाहिए, वो जाके जमा करनी पड़ेगी, वो कॉपी कोर्ट में, और कोर्ट फिर समन भेजेगा। ये काम 7 दिन में करेगा नीरज। और अगर एक से ज्यादा, मान लो 50 डिफेंडेंट है, तो 50 को एक ही कॉपी थोड़ी मिलेगी कि अलग अलग घर में सब रह रहे और एक कॉपी भेज दी फर्स्ट वाले को और बोला कि आप लोग शेयर कर लेना इसे, नहीं। तो उतनी कॉपी नीरज जमा कराएगा कोर्ट में, 50, ताकि सारे डिफेंडेंट्स को एक एक कॉपी मिल सके समन की। समन क्या होता है? प्लेंट होती है, प्लेंट है, उसमें हमारी प्लेंट की भी कॉपी होती है और साफ बात होती है तारीख दी हुई होती है कि इस तारीख में भाई साहब कोर्ट आ जाना और अपना पक्ष बताना कि आप क्यों इन चीजों से एग्री हो और डिसएग्री हो। तो यही वाली बात है कि 7 दिन इंपॉर्टेंट है, तो 7 दिन को मत भूलना। आपसे क्वेश्चन में शायद पूछ लें कि कितने दिन, तो 7 डेज। तो प्लेंटिफ मस्ट फर्निश द फीस फॉर इशूइंग सच समन, पैसे देगा प्लेंटिफ, जमा कराएगा, क्योंकि उसका वाद है, सिविल केसेस में जमा कराने पड़ते हैं। रूल 11F जो कि हमारा आगे जाके बात करता है कि कब प्लेंट रिजेक्ट होती है, उसमें भी एक प्रोविजन है जो बताता है कि अगर रूल 9 का ये वाला प्रोविजन आपने नहीं माना, 11F जो है ना वो साफ बात कहता है कि अगर रूल 9 को नहीं भी माना आपने तो भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। अब क्यों रिजेक्ट होती है, बहुत सारी चीजें हैं, आगे जाके समझते हैं, पर एक क्लॉज ये भी है, इसीलिए मैंने बोला रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 10 क्या कहता है कि रिटर्न ऑफ प्लेंट, मान लो एक प्लेंट नीरज ने जमा कराई कोर्ट में कि सर मेरा केस इंस्टीट्यूट कर दो, सूट इंस्टीट्यूट कर दो, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोर्ट को लगा कि मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, ये यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, दूसरे कोर्ट में आनी चाहिए थी, तो कोर्ट ऐसे प्लेंट को रिटर्न कर देता है सुन के कि नहीं ये मेरा अधिकार नहीं है, कि मेरा कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वेदर टेरिटोरियल या पेक्यूनरी। ये 1 से 8 जब पढ़ेंगे सेक्शन तो आप वहां पर देख पाएंगे कि पेक्यूनरी और टेरिटोरियल का एक सेक्शन है, 5 और 6 देखना आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये जो सब्जेक्ट मैटर, या तो मेरा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या मेरा पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या सब्जेक्ट मैटर के बारे में मैं नहीं सुन सकता, तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसी प्लेंट को वापस रिटर्न कर देगा, नीरज जी आप रख लीजिए इस प्लेंट को, ये यहाँ नहीं हो सकती, आप दूसरे कोर्ट में जाइए, है ना। अब देखो ये बात आपको समझ आ गई कि 10 में प्लेंट रिटर्न होती है सर, 10 के बाद में अब देखिए कि जब भी कोर्ट रिटर्न करेगा तो ब्रीफ रीजंस जरूर देंगे, आप मेरे पास में आए, मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैंने कोर्ट प्लेंट आपकी सुनी, मुझे अच्छी नहीं लगी या मुझे लगा कि मेरा अधिकार नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो मैंने रिटर्न कर दी, मैं रिटर्न करूंगा तो रीजंस देने हैं, मन मुताबिक नहीं चल सकते, आपने रिटर्न क्यों करी सर उसका रीजंस दीजिए, तो मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो रिटर्न करने के बारे में बताएंगे, ठीक है, जज साहब जो होंगे वो बताएंगे कि रिटर्न क्यों करी मैंने, ठीक है। अब द प्लेंटिफ, इतना आपको समझ आ गया, तो रिटर्न ऑफ प्लेंट, ये कौन सा रूल है हमारा, 10वां। आपसे कोई भी पूछे कि 10वां रूल क्या कहता है, वो कहता है रिटर्न के बारे में प्लेंट की। रूल 10A, ये दो रूल अलग से बाद में ऐड हुए थे, 10A 10B, इसमें भी रिटर्न की बात करी है, पर एक पावर दिए कोर्ट को कि कोर्ट क्या करेगा कि जब नीरज जी की प्लेंट रिटर्न कर रहे होंगे तो कोर्ट बोलेगा कि इस कोर्ट में आप चले जाइए, मैं आपकी जो तारीख है वो फिक्स करा देता हूँ, ये कि ये प्लेंट मैं ही वहां भेज देता हूँ, ये आप काम कर लीजिए। यही बात बताई कि सम पावर्स है कोर्ट के पास फॉर एक्सरसाइजिंग प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, कि अगर कोई इवेंट में डिफेंडेंट अपीयर होता है और कोर्ट की ड्यूटी है, चलने को तो कोई नहीं, चलिए रूल 10A जो है वो भी रिटर्न की बात करता है, ये पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है कि कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं जब वो रिटर्न करता है। तो 10th में हम रिटर्न कर रहे हैं, 10th में पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जब कोई सूट प्लेंट यानी कि कोर्ट के पास में आएगी, प्लेंट सूट नहीं प्लेंट आएगी, तो कोर्ट को अगर लगता है कि टेरिटोरियल पेक्यूनरी या सब्जेक्ट मैटर नहीं है मेरा, मैं इसे रिटर्न कर देता हूं, तो जिस भी कोर्ट में अब नीरज जी जाएंगे तो वहां पर क्या करेगा, कोर्ट ही तारीख ले लेगा, कोर्ट बोलेगा आप इस कोर्ट में जाइए, ये आपका प्रॉपर कोर्ट है, आप परेशान मत होइए, इधर उधर मत भटकिए, यहां जाइए और हम आपके लिए अगली तारीख ले लेते हैं, ये कहता है 10A। 10B क्या कहता है कि अगर कोई अपील करता है नीरज जी की, हमारी प्लेंट सर रूल 10 में रिजेक्ट होगी, हायर कोर्ट में अपील करी, तो हायर कोर्ट यानी कि अपीलेट कोर्ट की भी ये पावर है
कि वो भी प्रॉपर कोर्ट के अंदर तारीख ले सकते हैं और उनको भेज सकते हैं और बता सकते हैं। कई बार जो वकील होते हैं उनको यही समझ नहीं आता कि किस कोर्ट में एग्जैक्ट जाना है, ये किसी से भी हो सकती है परेशानी। हमें कई बार पता ही नहीं होता कि किस पुलिस स्टेशन में हमें रिपोर्ट लिखानी है, हमारे वाला पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन क्या है। जब आप बड़े शहरों में रहेंगे या रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसी परेशानियां लोग आप अक्सर झेलते हैं। रूल 11 क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। 10 में तो रिटर्न कर रहे थे, वापस भेज रहे थे, 10 ए में पावर थी, 10 बी के अंदर क्या था कि हायर कोर्ट के पास चले जाओ, वहां पर 11 में रिजेक्शन, प्लेंट रिजेक्ट कर दी। तो रिजेक्ट करने के लिए जो है ना ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इनको सीक्वेंस में याद करो। मैंने रूल 1 के बारे में कहा था वो सीक्वेंस में नहीं होगा तो चलेगा, ये सीक्वेंस में चाहिए। कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि कार्रवाई के कारण खुलासा ना करना, कि हमने अपनी प्लेंट के अंदर अगर कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बताया कि मैं क्यों आया हूँ, क्या गलत हुआ है मेरे साथ, कॉज लेने के लिए क्या कॉज है कि मुझे एक्शन लेना पड़ रहा है, ये मैंने अपनी पूरी प्लेंट में अगर नहीं लिख रखा, मैंने सारी कहानी लिख दी पर ये नहीं लिखा, तो मेरी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। ये है पहला पॉइंट। दूसरा है अंडर वैल्यूएशन, कि जो है ये कम मूल्यांकन करा है, मैंने जो प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर था उसका कम मूल्यांकन किया तो भी मेरा जो है सूट वो खारिज हो जाएगा, प्लेंट जो है मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। इनसफिशियंसी है स्टाम्प पेपर की, जो स्टैम्प पेपर हम चिपकाते हैं उनकी इनसफिशियंसी होगी तो भी हमारा सूट रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ इंक्लूडिंग लॉ ऑफ लिमिटेशन, कोई ऐसा कानून साथ साथ अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन या कोई दूसरा कानून जो कहता है कि ऐसे सूट तो नहीं दर्ज हो सकते या इस कोर्ट में नहीं हो सकते, तब भी कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। नॉट फाइल्डिंग ड्यूप्लीकेट, आपने देखा होगा ऑर्डर 4 रूल 1 अगर सीपीसी पढ़ी है तो वहां पर यही वाली बात है कि हर प्लेंट को ड्यूप्लीकेट यानी कि एक कॉपी के साथ में जमा करना है, नहीं किया तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो देखो कितना सीरियस रूल है ये। प्लेंटिफ फेल्स टू प्रेजेंट रिक्वेस्टेड कॉपीज, ये वही वाला जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था 11 का एफ। तो 11 का एफ यही है कि प्लेंटिफ ने 7 दिन के अंदर कॉपीज अगर कोर्ट में नहीं जमा कराई तो भी सूट रिजेक्ट, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए रूल 13, क्या जो प्लेंट रिजेक्ट हो गई है इसका मतलब ये है कि अब हम कभी नई प्लेंट दर्ज नहीं करा सकते किसी और कोर्ट में या उसी कोर्ट के अंदर, इतने सारे क्लॉजेस के अंदर हमारी प्लेंट रिजेक्ट हो गई 11 में। तो 13 यही कह रहा है कि फिर क्या आप नहीं आ सकते वापस नया सूट फाइल करने, क्या आपका जो अधिकार था वो यहीं खत्म हो गया? तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लेंट जो रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने 11 के अंदर, तो व्यक्ति अलाउड है कि वो फ्रेश प्लेंट लेके आए, प्रॉपर कोर्ट में जाए, या अगर उसी कोर्ट का है तो जाए, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा अधिकार किसी से भी नहीं लिया जा रहा है, ये रूल 13 साफ साफ कह रहा है। और जो प्लेंट रिजेक्ट हो गई, मान लो एक बार तो सुन लिया कोर्ट ने, तो अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या सेक्शन 11 लगेगा रेस जुडिकाटा का, मतलब एक बाउंड्री बन जाएगी इस सूट के खिलाफ कि अब तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे हम कोर्ट में नहीं जा सकते या सेम पार्टी से अब नहीं जा सकते। नहीं, इसके ऊपर कोई भी रेस जुडिकाटा नहीं लगता, मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे। और देखिए आपने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ये जो रिजेक्शन होती है प्लेंट की, ये एक तरीके की डीम्ड डिक्री होती है, पढ़ा होगा। तो वहां पर यही है कि ये तो डिक्री है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होने के बाद जो ऑर्डर निकाला उसकी डिक्री बनी, ये एक डीम्ड डिक्री मानी जाएगी डिग्री, पर ये अपीलेबल है ऑर्डर 41 के अंदर। और साथ साथ एक और अधिकार है व्यक्ति का कि वो फ्रेश सूट लेके आ सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन के अंदर, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं रोकेगा, नया मुकदमा ला सकता है और कार्रवाई का कारण बता के। क्लियर है आप लोगों? देखिए रूल 16, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉस्ट हो गया है तो यहाँ पे क्या है कि अगर उसकी कोई इंडेमनिटी थी तो कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स निकाल देगा जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मे पास अ डिग्री एज इफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। रूल 17, ये लास्ट रूल है हमारा, इसके बाद में हमारा ऑर्डर जो 7 है वो कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट रूल्स थे सारे के सारे। प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, शॉप बुक क्या होती है? एक दुकान पे जो खाता मेंटेन होता है उसे शॉप बुक कहते हैं, मेरी शॉप की बुक शॉप बुक है। तो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एक कानून है, उसमें बताया कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में आया है स्यू करने के लिए तो उसको अपनी शॉप बुक प्रेजेंट करनी पड़ेगी या कोई और अदर अकाउंट जो उसके पोजेशन में है, पावर में, वो सब प्रेजेंट करो कोर्ट में, प्रोड्यूस करो। और कोर्ट क्या करेगा, उनको देखेगा कि कोई एंट्री सही है गलत है, और साथ साथ उसको बोलेंगे कि इसकी कॉपीज भी जमा करो, फोटोकॉपीज भी जमा करो आप कोर्ट के अंदर। अब ओरिजिनल एंट्री, मान लो इस किताब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है दुकान पे वापस या किसी बिजनेस के अंदर, तो कोर्ट क्या करेगा, कुछ समय तक रखेगा, ओरिजिनल एंट्रीज को मार्क कर लेगा, कॉपीज तो है ही, वापस रिटर्न कर देगा प्लेंटिफ को। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। और एंड में
वही जो हमारे वीडियो में कहते हैं धन्यवाद, कि आपने जो भी देखा, आपने जो भी समझा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया, डाउट्स मेंशन करिए हमारी कमेंट में, हम जरूर कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करके सॉल्व करने की, क्योंकि यही एक वास्ता है, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यही एक तरीका है कम्युनिकेशन का। आपको अगर RJS की तैयारी करनी है तो हमारे फाउंडेशन कोर्सेज हमारे ऐप पर है, आप वहां से उन कोर्स को परचेज कर सकते हैं और आप हमारे साथ में एनरोल हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स में मेंशन करिए, और अब मैं बिल्कुल रेगुलर रहूंगा जब तक JLO का एग्जाम नहीं जाता इस सब्जेक्ट को कवर कराने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई भी वीडियोस या कंटेंट आसानी से अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स को, और बहुत परेशानी हो रही है ऐसा मुझे पता चला है, इसीलिए मैं इस टॉपिक्स पे वीडियोस आपके लिए लेके आया हूँ। तो अंत में सिर्फ एक ही बात, धन्यवाद।